हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डोरमेट, जो मैंने कपड़े से डोरमेट बनाना बताया आपको, साड़ियों से, कपड़ों से, जो भी हमारे बचे हुए कपड़े होते हैं उसी का मैं डोरमेट बनाना बता रही हूँ आपको। मैंने डोरमेट आपको पहले भी बता रखे हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि मुझे फिर से बताइए, समझ में नहीं आ रहा, तो उसी के लिए मैं खास ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे मैंने कोई भी साड़ी या चुन्नी होती है हमारी, दुपट्टी वगैरह, उसको मैंने कट करके आधा इंच के बराबर मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई जितनी होती है उतनी ही लेनी है। मैंने इसको कट करके और मैंने इसका एक सर्कल टाइप में गोला बना लिया है। अब इसे हमें करना क्या है, मैंने ये सिलाई ली है, सिलाई है हमारी, ये देखिए 9 नंबर की सिलाई है। ये सिलाई की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, मैम कितने नंबर की, तो 9 नंबर की सिलाई लेनी है इसमें। तो इसमें आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, मैं इसे 30 फंदे का बना रही हूँ। 30 फंदे का नॉर्मली होता है, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे, ये देखिए किस तरीके से फंदे डालने हैं, ये देखिए सबसे पहले, अरे पकड़ कर, ये देखिए इस टाइप से पहले हमें इसमें एक इस टाइप से एक नॉट्स लगाना है इधर सिलाई के अंदर, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें हमें 30 फंदे डालने हैं, फंदे का तरीका बताऊँगी मैं आपको डालने का। ये देखिए इस टाइप से करके, ये देखिए इस टाइप से, अब एक फंदा डल चुका है, 2 फंदे हो गए हैं, 3, ऐसे ही काउंट करके मुझे इसमें 30 फंदे डालने हैं। ये देखिए फंदे डालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं उसमें आपको डोरमेट में खास ये बताने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि कितना कैसे छोड़ना है, तो हर किसी पर 3-3 छोड़ना होता है, चाहे हम उसे 40 फंदे का बना रहे हैं या 50 फंदे का बना रहे हैं, 30 का, तो उसमें 3-3 ही छोड़ने पड़ते हैं हर किसी में। तो मैं ये पूरे फंदे डाल के इसे तैयार कर लूँगी। अभी देखिए मैंने इसमें पूरे फंदे डाल के तैयार कर लिए हैं। अब जो दूसरी वाली सिलाई है हमको इस तरीके से लेना है उसे, और इधर से हमें दूसरी सिलाई में इस तरीके से छोड़ना है। ये देखिए अब ये फंदा है जो हमारा फर्स्ट वाला फंदा है वो दूसरे सिलाई के अंदर आ चुका है, और फिर से दूसरा फंदा लेंगे हम और इसको हम इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बनाते हुए चलना है। जो छोड़ने का तरीका है वो मैंने इसमें, वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से ऐसे सिलाई को इस तरीके से डालना है फंदे के अंदर, दूसरी वाली को, और ये जो कपड़ा है आप कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े से बना रही हूँ मैं से, जैसे कि साड़ी या दुपट्टा वगैरह हमारा जिसको हम नहीं पहनते हैं उसी को मैंने कट करके, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो, लेकिन मैंने तब भी आपको शुरुआत से बता रही हूँ उसे। ये देखिए इस तरीके से फंदे को इस सिलाई के अंदर बढ़ते हुए चलेगा फिर ये, ये देखिए अब मैंने इतने सारे फंदे निकाल के तैयार कर लिए हैं। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ इस सिलाई को इसके अंदर डालना है दूसरे फंदे के, और इसके फंदे के अंदर हमें इस तरीके से निकालना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है ये डोरमेट बनाना, और ये डिजाइनर बनेगा, जैसे कि डिजाइन होती है जिसमें। अब ये देखिए फ्रेंड्स सबसे मेन है, जैसे कि मैंने इसमें पूरे फंदे ले लिए हैं और 3 फंदे मैंने इस सिलाई के अंदर छोड़ दिए हैं। अब ये 3 फंदे छोड़ने के, अब हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और बाकी के फंदे हम इससे फिर से, ये देखिए इसमें से फिर से इसी के अंदर डाल देंगे, जैसे हमने इधर से लिए थे तो फिर से हम इधर की इसके अंदर ही डाल देंगे। मेरा समझने का मतलब ये है कि सिलाई में जितने भी हम फंदे लेते हैं उसमें 3 फंदे छोड़ने हैं सिलाई के अंदर, और जो दूसरी वाली सिलाई है फिर उसके अंदर फिर से जो 3 फंदे पहले से ही रहेंगे, और दूसरे फंदे जितने भी बाकी दूसरी सिलाई के अंदर है वो सारे फिर उसी में फिर से लेने हैं, तभी ये बढ़ेगा आगे। ये देखिए इस तरीके से डिजाइन आ रहा है इसका बनके, और ये बढ़ भी रहा है, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। ये देखिए मैं फिर से इसमें दिखाऊंगी आपको, 3 फंदे फिर से मैं इधर छोड़ दूंगी, नहीं।
अब ये देखिए मैंने पूरे फंदे इस सिलाई के अंदर उतार लिए हैं। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट में 3 छोड़े थे, अब की बार हमें इसी सिलाई के अंदर 6 फंदे छोड़ने हैं और 6 के बाद फिर हमें 12 छोड़ने हैं, मतलब कि सॉरी 9 छोड़ने हैं, फिर 9 के बाद 12 छोड़ने, फिर पूरे फंदे 13 फंदे हमें 3-3 करके एक सिलाई में छोड़ देने हैं। इसी तरीके से बनाना है। अब इस सिलाई में हम जैसे इस सिलाई में इसमें फंदे को ले रहे हैं तो इस वाली में हम 6 फंदे छोड़ेंगे, जैसे पहले हमने उसमें ये देखिए जैसे अब इस सिलाई में हम पूरे फंदे निकाल लेंगे और पूरे फंदे लेने हैं हमें, एक सिलाई में हमको फंदे छोड़ने हैं और एक में हमको नहीं छोड़ने हैं। तो इसमें हम पूरे फंदे ले लेंगे और फिर जब इसमें इस सिलाई से उस सिलाई में फंदे डालेंगे तब हमें इसमें 6 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें पूरे फंदे डाल के पहले, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स मैंने काफ़ी वीडियो डोरमेट की अपलोड की हुई है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि कितने फंदे कैसे छोड़ने होते हैं, तो मैं इतनी ही वीडियो ही अपलोड करूँगी। देखिए इसको हम इस तरीके से बनाना है हमें इसे। अभी देखिए फ्रेंड्स पहले मैंने 3 फंदे छोड़े थे, अब मैंने 6 फंदे छोड़े। देखिए आप काउंट कर सकते हैं अच्छे से दिखाई दे रहा है, अब मैंने इसमें 6 फंदे छोड़ दिए हैं। अब इस सिलाई को हम इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे और इस फंदे को इस तरीके से ले लेंगे कपड़े को और फिर से हम ये पूरे फंदे इस सिलाई के अंदर ले लेंगे। इसी तरीके से बनाना है ये। अब ये पूरे फंदे ये जो इस सिलाई के अंदर है, ये वाली सिलाई के अंदर फंदे हैं, इसमें से हम पूरे फंदे इस सिलाई के अंदर ले लेंगे इस वाली सिलाई के अंदर, फिर इसमें से हम वापसी इस वाली सिलाई में जाएंगे। ये देखिए जिधर हमने ये देखिए मैं आपको बता जिधर की साइड हमने ये नॉट्स लगाया था फर्स्ट में कपड़ा, उसमें ही उस सिलाई में ही फंदे छोड़ने हैं हर बार। अब जैसे पहले 6 छोड़े थे, अब की बार हम 9 छोड़ेंगे। ये देखिए मैं पूरे फंदे इस कपड़े वाली सिलाई के अंदर ले लूँगी जिसमें हमने फर्स्ट से नॉट्स लगाए थे, पूरे फंदे निकालने हैं और फिर हम जब इस सिलाई में से इसमें फिर से डालेंगे तो जिसमें ये कपड़ा आएगा जिसमें मैंने फर्स्ट में नॉट्स लगाया था उसमें, और फिर हम 9 फंदे छोड़ेंगे तो तभी ये आसन बढ़ता है आगे की तरफ भी, तभी ये बढ़ता हुआ डिजाइन आता है इसका गोल सर्कल टाइप में। अभी देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें मैंने इसमें पूरे फंदे छोड़ छोड़ के, जैसे मैंने लास्ट 30 फंदे तक छोड़ के, जैसे हमारे पूरे फंदे छूट जाते हैं 30, तो उसके बाद हमें फिर से 3 फंदे से शुरुआत करनी, 3-3 छोड़ते। देखिए कितनी सुंदर शेप आई है इसकी सर्कल में। ये देखिए अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ इसमें, और जैसे मैंने इसमें सिलाई डाली हुई है इधर से, ये देखिए इधर से हमें इसी तरीके से सिलाई निकालनी है। मैंने इतना इसको बना लिया है। अभी देखिए जैसे भी कपड़ा ख़त्म हो जाता है इसमें से तो दूसरा हम इसमें एक नॉट से लगा के फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें कितने भी कपड़े कलर लगा सकते हो, तो मैं अब इसमें 12 छोड़ूंगी। जैसे 13 तक छूट जाते हैं हमारे फंदे तो फिर से हमें 3-3 से शुरुआत करनी है इसमें, फिर से 3 छोड़ने हैं, 6 छोड़ने हैं, फिर 9 छोड़ने हैं, 12 छोड़, इसी तरीके से पूरे 30 छूट जाते हैं तो फिर से 3-3 छोड़ने हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है इस डोरमेट को बनाना। और अगर आपको फिर भी जैसे समझ में कम आए तो मैंने एक वीडियो और भी अपलोड कर रखी है, आप उसमें भी देखें कुछ इसमें देखें तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने काफ़ी डिजाइन वीडियो अपलोड की हुई हैं डोरमेट की। ये देखिए सिलाई को इस तरीके से ही निकालना है, जैसे हम स्वेटर जर्सी वगैरह बनाते हैं स्वेटर वगैरह, तो उसी तरीके से सिलाई चलानी है इसमें भी, लेकिन इसमें जो फंदे छोड़ने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है इसमें। ये देखिए इधर से अब मैंने इसमें देखिए मैंने इसमें 12 फंदे छोड़े हैं। ये देखिए 3, 6, 9 और 12 फंदे मैंने इस सिलाई के अंदर छोड़ दिए हैं और फिर अब इस सिलाई को हम इस तरीके से घुमा देंगे। ये देखिए इस तरीके से घुमा लेंगे और फिर से हम इसको इस सिलाई के अंदर फंदे डाल देंगे पूरे। जैसे कि मैंने उसमें 12 छोड़ दिए थे, अब पूरे फंदे हम उस सिलाई के अंदर ले लेंगे जितने बचे थे, और 12 के बाद हमें इसमें फिर 16 छोड़ने हैं। देखिए 12 के बाद हमें इसमें
15 फंदे छोड़ने हैं, सॉरी 16 नहीं 15 फंदे छोड़ने हैं। जैसे तीन तीन छोड़ने हैं, इसमें तीन तीन से लगाएंगे तो हम इसमें 15 फंदे छोड़ेंगे। अभी देखिए पूरे फंदे मैं इस सिलाई के अंदर ले लूँगी। एक सिलाई को हमें खाली करना है, जिससे हमने शुरुआत की थी, जिधर हमारा ये वाला कपड़ा आता है, जैसे हम नॉट्स लगाए फर्स्ट में, उधर की साइड ही हमें छोड़ने हैं। अब इस सिलाई को हम बिल्कुल खाली कर देंगे। अभी देखिए मैंने दो फंदे इधर छोड़ दिए हैं। मैं आपको फिर से इस तरीके से मैं पूरे फंदे ले लूँगी इस सिलाई के अंदर। अब ये सिलाई हम बिल्कुल खाली कर देंगे। अब जो ये वाली सिलाई है, ये देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसे, क्योंकि ये पूरा बन चुका है, इसमें थोड़ा सा ही बाकी है। अब जो ये वाली सिलाई है, इसमें ये कपड़ा आ रहा है जैसे हमने शुरुआत की थी जिधर से, तो इसमें हमें 15 फंदे छोड़ने हैं इस सिलाई के अंदर। और 15 फंदे छोड़ने के बाद में फिर हमें पूरे फंदे इस सिलाई के अंदर लेने हैं, और फिर पूरे फंदे इस सिलाई के अंदर आ जाते हैं उस वाली सिलाई के अंदर। तो फिर हमें जो 15 फंदे हमने जिस सिलाई में छोड़े थे, उसमें हमें फिर से वापसी लेने हैं। उसी तरीके से ये बढ़ेगा। ये देखिए अब पूरा डोरमेट ये बनके तैयार हो चुका है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस बंद करने का तरीका मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर फिर भी आपको समझने में इससे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।